बॉलीवुड के किस्से, कहानियाँ, फिल्म स्टार्स के लव अफेयर्स हर किसी की जुबान पर रहते हैं। बहुत सारे रोचक फैक्ट्स शायद ही आप जानते होंगे। हम आपके सामने ला रहे हैं वो 15 हिडन फैक्ट्स जो आपको मालूम नहीं होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक की सुपर डुपर हिट फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के हीरो रोल के लिए पहले सैफ अली खान को लेने की बात चल रही थी। आमिर खान की फिल्म लगान पहली ऐसी इंडियन फिल्म है जिसमें सबसे ज़्यादा ब्रिटिश अभिनेता लिए गए थे। बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री करीना कपूर ने फिल्म हीरोइन में 130 तरह के अलग अलग कपड़े पहने थे। बॉलीवुड के अभिनेता अनिल कपूर पहले जब मुंबई आए थे तो वह राज कपूर के गैराज में अपने परिवार के साथ रहते थे। बॉलीवुड को 100 करोड़ और 200 करोड़ की कमाई कराने वाले अभिनेता का नाम है आमिर खान। वहीदा रहमान एकमात्र ऐसी अदाकारा हैं जिसने अमिताभ बच्चन की माँ और प्रेमिका दोनों के रोल निभाए हैं। वहीदा ने अदालत 1976 में अमिताभ की प्रेमिका और त्रिशूल 1978 में अमिताभ की माँ का रोल निभाया। रणवीर सिंह, जिसका असल में नाम रणवीर सिंह भवानी है, जो अभिनेत्री सोनम कपूर का चचेरा भाई है। राज कपूर की मेरा नाम जोकर पहली ऐसी हिंदी मूवी थी जिसमें एक नहीं बल्कि दो दो इंटरवल थे। नॉर्थ अमेरिका के पूरे फिल्म बिजनेस का 25% हिस्सा बॉलीवुड की फिल्मों से आता है। अभिनेता अमजद खान को पहले 16 फिल्में हटा रहे थे क्योंकि लेखक जावेद अख्तर को उनकी आवाज़ गब्बर सिंह के किरदार के लिए कमज़ोर लगा। उनकी जगह डैनी को लेना चाहते थे। फिर बाद में दोबारा अमजद खान का सिलेक्शन कर लिया गया। भारतीय सिनेमा की पहली आवाज़ वाली फिल्म आलम आरा 1931 में रिलीज हुई थी जो उस समय बहुत ही हिट हुई थी। बॉलीवुड की मुगले आजम एक ऐसी फिल्म है जो एक साथ 3 भाषाओं में शूट की गई थी। शोले फिल्म का मोस्ट फेमस डायलॉग कितने आदमी थे 40 रिटेक के बाद ओके हुआ था। मेरा नाम जोकर और LOC दोनों फिल्में अब तक की सबसे लंबी फिल्में हैं। इन फिल्मों की लंबाई 4 घंटे 25 मिनट की है। श्रीदेवी ने सिर्फ 13 वर्ष की उम्र में एक फिल्म में रजनीकांत की सौतेली माँ का किरदार निभाया था। वह एक तमिल फिल्म थी जिसका नाम था मंडरू मुदीचू।